अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज आपको मेरी वीडियो के स्टार्ट में ये ऑरेंज पील्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि माल्टे के छिलके नज़र आ रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम माल्टे के छिलकों को यूज़ करने वाले हैं आज की रेमेडी में। तो बिल्कुल, हम आज आपको माल्टे के छिलकों से एक बेहतरीन सा स्क्रब और मास्क बनाकर देने वाले हैं। माल्टे हर घर में आते हैं, यानी कि विंटर सीज़न चल रहा है तो ये सीज़न का फ्रूट है, हर घर में आता है, ज़रूरी आता है। तो हम खाकर इनके छिलके फेंक देते हैं बास्केट में। इनको बास्केट में बिल्कुल नहीं फेंकना आपने, क्योंकि इनमें विटामिन सी की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। ये नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का। इनको हम बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए आपने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। इनको स्टोर कर लें और इनको ड्राई कर लें। आप सन ड्राई कर सकते हैं इनको, या फिर वैसे ही आप कहीं पर भी रख के इनको कुछ दिन के लिए छोड़ेंगे। कुछ दिन लगेंगे इनको ड्राई होने में, लेकिन आप इनको ड्राई कर लें और फिर इनको काफ़ी रेमेडीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। इनके बहुत से फ़ायदे हैं। ये ऑरेंज जो है ना, ऑरेंज वैसे तो खाने में भी विटामिन सी हमें प्रोवाइड करता है, उनके ये जो पील्स हैं इनमें भी विटामिन सी होता है, इसीलिए हम इनको भी वेस्ट नहीं करेंगे, इनको भी यूटिलाइज़ करेंगे। और इनका यूज़ कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो में बंधे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए रेमेडी की तरफ चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इसमें चाहिए वो है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बेसन, ग्राम फ्लोर, ये है बेसन, क्योंकि हमें एक स्क्रब और मास्क दोनों 2 in 1 बनाना है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। ये हम तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इस्तेमाल करें। आप कम भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना आपका फेस का साइज़ है उतना इस्तेमाल करिए, इसको वेस्ट मत कीजिए। चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसीलिए आप मैं 1/2 स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसीलिए। और चूँकि मैंने वीडियो के शुरू में ऑरेंज दिखाए थे, तो ऑरेंज के पील मैंने ड्राई करके यूँ पाउडर बना लिया, यानी कि ऑरेंज के जो छिलके होते हैं ना, माल्टे के छिलकों को कुछ दिन मैंने ड्राई किया, उसको सन में ड्राई कर ले, सन ड्राई कर लें, या वैसे ही घर में आप कहीं भी ड्राई कर लें, 2-3 दिन में वो ड्राई हो जाते हैं। फिर उनको मैंने ग्राइंड करके ये देखेंगे एक पाउडर सा बन गया। अब ये पाउडर हम यूज़ करेंगे अपनी रेमेडीज़ में। ये नेचुरल वे है विटामिन सी का, ये इससे हमें विटामिन सी मिलता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम ये इसमें ऐड करेंगे। चले, विटामिन सी के लिए हम ये ऑरेंज पील इसमें डालते हैं। तकरीबन सेम क्वांटिटी में मैं डालूँगी, चूँकि मैंने 1/2 स्पून बेसन डाला है तो 1/2 ही ये डाल रही हूँ, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे, अब इसमें नेक्स्ट जो जाएगा वो है ये ड्राई मिल्क। ये मिल्क जो बच्चे हमारे पीते हैं ना ड्राई मिल्क, ये वो मिल्क है। ड्राई मिल्क स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये ग्लो देता है स्किन को और क्लिंजिंग का काम करता है, इसीलिए मैं इसे इसमें इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमें मसाज करना है इसके साथ। तो इसीलिए मैं इसको भी 1/2 स्पून के बराबर, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ मैं। ये देखें, अब ये 1/2 स्पून हो गया। अब ये भी मैंने तीनों की क्वांटिटी सेम रखी है। अब आप चाहें तो ये जो ड्राई मिक्सचर है इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर लें 1 हफ्ते के लिए और फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा लेकर यूज़ कर लें। अब मैं इसको लिक्विड करने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ, ये है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें। इट्स वेरी हार्ड। ये एलोवेरा जेल मैं इसमें 1/2 स्पून ही एलोवेरा जेल ऑलमोस्ट डालने लगी हूँ। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 1/2 स्पून इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर दी है। अब इसको लिक्विड करने के लिए मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ रोज़ वाटर। ये है रोज़ वाटर, मैं इसमें रोज़ वाटर इस्तेमाल करने लगी हूँ। रोज़ वाटर भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये एक टोनर है स्किन के लिए, टोनर के तौर पर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको स्प्रे करती तो बहुत टाइम लग जाना था, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यूँ खोल के और थोड़ा सा डालने लगी हूँ। ये 1 चम्मच मैं रोज़ वाटर डाल रही हूँ, ताकि ये एक डाइल्यूट हो जाए, ये एक ना मसाज क्रीम की तरह सा बन जाए। तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया है और ये देखेंगे थोड़ा सा मिक्स करते हैं, हो गया। ये देखें, एक क्रीम बन गई है ना, ये इसे एक क्रीम सा बना लेंगे। फिर हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे और जेंटली मसाज करना, बहुत सख्त हाथ के साथ मसाज नहीं करना, हमें सॉफ्टली मसाज करना है। मैं आपको हाथ पर करके दिखा देती हूँ, तो आपने वैसे ही फेस पर भी करना है यूँ लगा के, और बस
सॉफ्टली सॉफ्टली जेंटली मसाज करना है हमें, ओके। बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं करना, स्किन हमारी सॉफ्ट होती है, उसे ज़्यादा हार्श वे में हम जब मसाज वगैरह करते हैं ना तो स्किन हमारी ख़राब हो जाती है, इसीलिए आपको सिर्फ सॉफ्टली मसाज करना है। 5-10 मिनट तक पहले मसाज करें, फिर 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें ताकि विटामिन सी जो ऑरेंज पील हमने इसमें ऐड किया वो अपना काम भी करे, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर मसाज करें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसको धो लें, और फिर आप देखेंगे कि ये सर्दियों का हमारा जो फ्रूट है ऑरेंजेस, इनसे हम अपनी स्किन के लिए कैसे विटामिन सी और कैसे ग्लो ले सकते हैं, ठीक है। ये चंद चीज़ों से आपको एक बेहतरीन सा मास्क और मसाज मिल जाएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना ख्याल रखिए और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल जो ज़माना है सबको अपने अपने पड़ी हुई है, तो ज़रूरी है कि आसपास के लोगों का भी ध्यान किया जाए। तो आप भी आसपास के लोगों का ध्यान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।